हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी वीडियोस। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए तिल पट्टी घर में बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही बढ़िया बनती है, तो स्टार्ट करेंगे बनाना। पहले हम देख लेंगे इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए, एक कटोरी भरकर मैंने तिल लिए हैं सफेद वाले। ऐसे ही एक कटोरी चीनी ली है, चीनी वाली पट्टी बनाएंगे हम। थोड़े से डेकोरेशन के लिए बादाम लिए हैं, 3 से 4 ये इलायची का पाउडर मैंने रखा है, और आधा चाहिए होगा छोटा नींबू। पहले हम तिल को थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे। एक पैन में तिल को डालकर कंटिन्यूअसली स्पून चलाएंगे। इसमें 3 से 4 मिनट हो गए धीमी आंच पर इसी तरह से स्पून चलाते हुए इसको भूनते। मुझे अब ये अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब ये जो हमने चीनी रखी थी वो ऐड कर लेंगे। चीनी को हम मेल्ट होने देंगे धीमी आंच पर ही। ये देखिए, चीनी मेल्ट हो रही है। इसको बिल्कुल जब ये पानी की जैसी हो जाएगी उतना हमने इसको मेल्ट करना है। ये देखिए, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई। बस 1 मिनट और करेंगे इसको, फिर हम इसमें आधा छोटा नींबू का रस डाल देंगे। ये देखिए, इस स्टेज पर हम आधा छोटा नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने के बाद जो इलायची हमने रखी थी वो ऐड कर देंगे इसमें, और जो हमने तिल रोस्ट करके रखे थे वो भी इस टाइम पे इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से सब चीजें इकट्ठा हो गई, एक डोसा बन जाएगा। और अब हम इसको गरम गरम में ही हमने जमाना है, तो एक हम ले लेंगे सिल्वर फॉयल या कोई भी पेपर, बटर पेपर ले लीजिए जो भी आपके पास है, उस पर ये डो रख देंगे। ये देखिए, पहले मैंने इसको अच्छे से फैला लिया। अब बेलन के ऊपर थोड़ा सा मैंने ऑयल लगाया है, और इसको हम जितना भी चाहें उतना पतला कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह। ये देखिए, अच्छे से मैंने हर तरफ से फैला दिया इसको। अब हम गरम गरम पर ही इसके ऊपर कट लगा देंगे, ताकि जब हम इसके पीसेस करें तो बहुत इजीली ये निकल आए। जिस भी तरह के आपको पीसेस रखने हैं इसके, उस तरह के इसके ऊपर मार्क्स लगा देंगे। मैंने कुछ बादाम कट करके रखे हैं, थोड़े थोड़े वो चिपका दूंगी, तो ये और भी देखने में भी बढ़िया लगेगी और खाने में भी। कोई भी ड्राई फ्रूट आप ऊपर लगा लीजिए, ना भी लगाएंगे तो भी ये बहुत ही बढ़िया बनती है और बहुत ही क्रिस्पी बनती है। बिल्कुल रेडी है। अब ये इसके पीसेस करके मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए, बढ़िया सी तिल पट्टी घर में बनी हुई बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही इजी है घर में बनाना तिल पट्टी, और बहुत ही बढ़िया बनती है। ये मैं आपको एक ये तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए,
कितनी क्रिस्पी है ये, जरूर से ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और फ्रेंड्स कमेंट्स में भी जरूर बताइए कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आने पर प्लीज लाइक शेयर भी कीजिए और मेरी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी इजी सी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।